ग्लोबल एंटरप्राइजेस ऑल्सो नोन एज द मल्टीनेशनल कंपनीज, नाम से समझ में आ रहा है आप नाम ग्लोबल ले लो या मल्टीनेशनल ले लो, दैट मीन्स दे आर ऑल अराउंड द ग्लोब। एक सिंपल मीनिंग क्या हुआ इसका, दैट मीन्स दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन नेशन, दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन कंट्री। और एंटरप्राइजेस या फिर कंपनी, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी बेसिकली। तो व्हाट आर ग्लोबल एंटरप्राइजेस? मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, जैसा मैंने अभी बताया ग्लोबल को आप मल्टीनेशनल भी बोल सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल। मल्टी means many and national means countries or nations. So multinational means a company which operates in many countries. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसी कंपनीज जनरली एक कंट्री से ज़्यादा में एग्जिस्ट करती है। बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, एप्पल, ठीक है। वी ऑल नो एप्पल इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी, बट स्टिल हम हमारे इंडिया में भी, हम हमारी कंट्री में भी एप्पल यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली एप्पल के अलावा मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, डोमिनोज है, बहुत सारी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनीज़ है जो हमारे कंट्री में भी ट्रेड करती है। तो ये सारी की सारी कंपनीज़ बन गई ग्लोबल एंटरप्राइजेज या फिर मल्टीनेशनल कंपनी। सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मेनी कंट्रीज, सच अ कंपनी हैज़ ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स इन डिफरेंट कंट्रीज। देखो, कोई भी कंपनी हर कंट्री में जाके अपना हेड ऑफिस नहीं बना सकती, ऑफ कोर्स सी बात है। तो बेसिकली उसके ब्रांचेस होंगे अलग अलग कंट्री में, वर्कशॉप्स होंगे, फैक्ट्रीज होंगे बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में। तो मल्टीनेशनल कंपनी का ये मतलब नहीं होता कि वो हर कंट्री में जाके अपना हेड ऑफिस ओपन कर देगी। मल्टीनेशनल कंपनी का बेसिक मीनिंग होता है एक ऐसी कंपनी जो अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेड कर रही है। हो सकता है उसके ब्रांचेज हो, फ्रेंचाइजीज हो, वर्कशॉप हो, फैक्ट्रीज हो, कुछ भी हो सकता है, बट इट एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन country. A multinational corporation is also known as transnational corporation, global enterprise या फिर एक international enterprise. The headquarters of a multinational company are located in one country, that is the home country, and it carries business in other countries, that is the host countries. हमेशा याद रखना, एक global enterprise को हम लोग एक multinational company या फिर एक international enterprise भी बोलते हैं। अब मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया ऑल अराउंड द ग्लोब, दैट मीन्स मोर देन वन कंट्री। तो हर कंट्री तो होम कंट्री होगी नहीं, ऑफ कोर्स ही बात है। तो बेसिकली यू कैन से एप्पल की बात करते हैं। एप्पल की होम कंट्री कौन सी हुई? आई थिंक वी ऑल नो कैलिफोर्निया है, यूएस है। तो बाकी सारी कंट्रीज़ क्या हो गई? इंडिया क्या हो गई? एक होस्ट कंट्री हो गई। लेट्स से दे ऑल्सो ट्रेड इन यूके, ठीक है, दे ट्रेड इन लंदन, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन क्या हो गई? होस्ट कंट्री हो गई। तो एक ग्लोबल एंटरप्राइज के लिए दो टाइप की कंट्रीज होती है, वन इज द होम कंट्री एंड वन इज द होस्ट कंट्री। होम कंट्री का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे वो कंपनी बनी थी, जहाँ पे उसकी हेड ऑफिस है। वहीं पे होस्ट कंट्री क्या हो गई? जहाँ पे वो ट्रेड करती है। ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट द होम कंट्री, सिंपल। नाउ लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। फर्स्ट इज ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंपनी जो मल्टीनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रही है उसके पास में रिसोर्सेज, भले ही वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो कैपिटल रिसोर्सेज हो, फिक्स्ड असेट्स हो या फिर करंट असेट्स हो, दूसरी कोई भी कंपनी से ज़्यादा होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है। तभी वो अलग अलग कंट्री में जा जा के ट्रेड करती है। आज एप्पल है, एप्पल अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेड करती है, डोमिनोज है, ठीक है। ये सारी कंपनीज़ के पास में बहुत ह्यूज फाइनेंशियल, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन कोलैबोरेशन। मैनी अ टाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई एक ग्लोबल एंटरप्राइज है या फिर कोई एक कंपनी है जिसको अलग कंट्री में ट्रेड करना है। लेट्स से सुजुकी को ट्रेड करना था इंडिया में, तो सुजुकी ने क्या किया? सुजुकी ने मारुति के साथ में टाई अप कर लिया। तो वैसे ही देर आर मैनी कंपनीज विच कोलैबोरेट विथ फॉरेन कंपनीज, जैसे ICICI और प्रूडेंशियल, बोथ आर डिफरेंट कंपनीज बट दे एक्चुअली कोलैबोरेटेड, दे केम टुगेदर। इससे क्या होता है? उनका जो मार्केट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कोलैबोरेशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे एज जॉइंट वेंचर्स। नेक्स्ट इज एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे? ग्लोबल एंटरप्राइज है, इमेजिन करो आप इंडिया में ट्रेड करते थे, अब आप अपनी कंपनी को लेके चले गए जापान में या फिर लेट्स से यूएस में या फिर कोई भी दूसरे फॉरेन लैंड में, आपको वहाँ की न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी, इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। जापान, जर्मनी, ऐसी कंट्रीज़ जो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप जब भी वहाँ पे ट्रेड करने के लिए जाओगे तो आपकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगी। ऑफ कोर्स ही बात है। अब उल्टे तरीके से समझते हैं, जो कंट्रीज बाहर से इंडिया में आती है, ठीक है, देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच कम इन इंडिया टू ट्रेड, वो अपने साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी लेके भी आती है। दिस इज ऑल्सो वेरी मच ऑब्वियस। एक और तरीके से समझो, जितने भी ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। क्या रीज़न है? बिकॉज उनको इनोवेशन देना होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोडक्ट इनोवेशन। ग्लोबल एंटरप्राइजेस के पास में, मैंने आपको पहले ही बताया, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, बी इट फाइनेंशियल और बी इट ह्यूमन रिसोर्सेज। दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कि R&D टीम, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी ऐसी एंटरप्राइजेस के पास में। R&D टीम, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते रहना और उस प्रोडक्ट को डेवलप करना, दैट मीन्स इनोवेट करना। क्यों? ताकि इन लोग का मार्केट शेयर धीरे धीरे इंक्रीज हो। मेरे को अभी भी याद है जब मैंने एप्पल का 5S लिया था, आई वॉज यूजिंग iPhone 4S, और जब मैंने 5S लिया था मुझे ऐसा लगा था कि इससे अच्छा फ़ोन कोई कैसे बना सकता है। मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन शायद जो कभी आएगा। नाउ टुडे आई हैव iPhone 11, ठीक है, मैं देखता हूँ, और आई हैव बोथ द फोन्स, आई हैव iPhone 5S ऑल्सो एंड iPhone 11 ऑल्सो, सो मैं दोनों को देखता हूँ एंड आई फील लाइक कि नहीं यार बहुत ज़्यादा बेटर है। अभी भी मुझे यही लगता है iPhone 11 को देख के कि इससे अच्छा फ़ोन कोई क्या बनाएगा, बट आई स्टिल नो दैट इन द कमिंग 5-10 ईयर्स देयर विल बी मोर न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। ओके, ग्लोबल एंटरप्राइजेस बहुत इंटेंसिव मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करती है टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव, बहुत महंगे और बहुत लार्ज स्केल पे मार्केटिंग करते हैं। आई थिंक वी ऑल नो अबाउट एप्पल। एप्पल कितना ज़्यादा मार्केटिंग पे फोकस करती है। आई थिंक वी ऑल नो अबाउट कोकोकोला एज वेल, ठीक है। जनरली यू विल सी स्पॉन्सरशिप ऑफ कोकोकोला, पेप्सी, ऐसे सारे ब्रांड एम्बेसडर्स आप देखोगे बहुत बड़े बड़े इन लोग के। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपांशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। सिंपल सी बात है, ग्लोबल एंटरप्राइजेज है, पहले आप खाली इंडिया में ट्रेड करते थे, दैट मीन्स आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम मार्केट कितना हो गया? 135 करोड़ की पॉपुलेशन। नाउ यू मूव टू चाइना एज वेल, दैट मीन्स अब आपके पास में इंडिया प्लस चाइना की पॉपुलेशन है, दैट मीन्स आपका मार्केट टेरिटरी इंक्रीज हो गया। नाउ यू मूव टू जापान, नाउ यू मूव टू श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। अल्टीमेटली आप क्या करते जा रहे हो? अपना मार्केट टेरिटरी इंक्रीज करते जा रहे हो। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस का जो मार्केट टेरिटरी होता है वो एनी टाइम बिगर होता है, एक्सपांडेड होता है एज कंपेयर टू अ कंपनी ट्रेडिंग इन सिंगल नेशन। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज कंट्रोल। एक चीज हमेशा याद रखना, भले ही आपकी एंटरप्राइज अलग अलग नेशन में ट्रेड करती है, इट्स ओके एक सर्कल को इमेजिन कर लो, लेट्स से एक ग्लोब को इमेजिन करते हैं, एक सेंटर है, लेट्स से इंडिया है यहाँ पे, एंड इंडिया की कंपनी थी जो अलग अलग नेशंस में ट्रेड करती है। तो इस पॉइंट को एक बार सेंटर इमेजिन कर लो और यहीं से हम ये वाला पॉइंट समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सेंट्रलाइज कंट्रोल। लेट्स से यहाँ पे आपका एक हेड ऑफिस है, तो इसके डिसीजन भी इंडिया लेगी, यहाँ के हेड ऑफिस के डिसीजन भी इंडिया लेगी, यहाँ के हेड ऑफिस के डिसीजन भी इंडिया लेगी, यहाँ के सब के डिसीजन सेंट्रलाइज्ड होंगे। दैट मीन्स अल्टीमेटली आपकी जो मेन हेड ऑफिस है, दैट इज इन योर होम कंट्री। याद है, होम कंट्री और होस्ट कंट्री। आपकी एक्चुअल जो हेड ऑफिस है दैट इज इन योर होम कंट्री, दैट विल टेक द डिसीजंस फॉर ऑल द ब्रांचेस एग्जिस्टिंग ऑल ओवर द ग्लोब। ये चीज़ ध्यान रखना, भले ही आपकी कंपनी अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड कर रही है, लेकिन डिसीजंस कौन लेगा? द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है? होम कंट्री में। सो दीज वर द features of global enterprise. Now we'll move on to joint ventures.